कुवैत की एक बिल्डिंग में लगी भीषण आग में 49 श्रमिकों की मौत हो गई है, जिसमें से 40 भारतीय थे। दक्षिणी मंगाफ जिले में ये हादसा हुआ। कुवैत में अगर भारतीय मजदूरों की बात करें तो उनकी डिमांड बहुत ज्यादा है। बढ़ई, राजमिस्त्री, घरेलू कामगार, फैब्रिकेटर, ड्राइवर, यहाँ तक कि फूड डिलीवरी करने वाला और कुरियर डिलीवरी बॉय बड़ी संख्या में भारतीय ही है। कुवैत में भारतीयों की सबसे बड़ी आबादी है। यहाँ पर 21% भारतीय रहते हैं। कुवैत के सार्वजनिक प्राधिकरण की ओर से जारी नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर 2023 तक कुवैत की कुल आबादी 48.59 लाख थी। इसमें से 61% मजदूर और श्रमिक थे। भारतीय समुदाय की आबादी 10 लाख से ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर इनके हालात बेहद खराब हैं। कुवैत जाने वाले लोग अक्सर कठोर परिस्थितियों में रहते हैं। अर्धनिर्मित इमारतों के छोटे छोटे कमरों या लेबर कैंप्स पे रहते हैं। अकुशल भारतीय मजदूरों की एक बड़ी डिमांड यहाँ रहती है। भारत से ज्यादा यहाँ पर कमाई होती है, जिस कारण कई लोग खाड़ी देशों में काम करने के लिए आते हैं। खाड़ी क्षेत्र में श्रमिकों के माइग्रेशन से जुड़ी कई स्टडी संकेत मिला है कि भारतीय श्रमिक, यहाँ तक कि निम्न कुशल श्रेणी के श्रमिक भी उच्च मजदूरी पाते हैं, अगर उनके पास घरेलू श्रम बाजार में जरूरी अनुभव है तो। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के नियमों के मुताबिक विदेशों में काम करने वाले भारतीय मजदूरों के लिए न्यूनतम रेफरल वेतन यानी कि MRW तय किया गया है। कुवैत में ज्यादातर लोग केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पंजाब से आते हैं। 2016 के आंकड़ों के मुताबिक इनका वेतन 300 से 1050 डॉलर प्रति महीने था। खाड़ी में ओमान और कतर में MRW कुवैत में दी जा रही धनराशि से थोड़ा बेहतर है, लेकिन कुवैत में दी जा रही मजदूरी इंडोनेशिया में $203, मलेशिया $231 से $358 और इराक $345 से $600 जैसे अन्य एशियाई देशों की तुलना में ज्यादा है। MRW की ओर से कवर किए जाने के लिए भारतीय श्रमिकों को विदेश मंत्रालय के ई माइग्रेंट पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा और विभिन्न देशों के संबंधित श्रम गतिशीलता समझौते के नियमों और शर्तों के तहत यात्रा करनी होगी। कुवैत में उदाहरण के तौर पर बढ़ई, राजमिस्त्री, ड्राइवर और पाइप फिटर $300 प्रतिमाह की न्यूनतम श्रेणी में आते हैं, जबकि भारी वाहन चालकों और घरेलू कामगारों की सैलरी थोड़ी बेहतर है। भारत कुवैत में सभी भारतीय प्रवासी श्रमिकों की मौत या स्थायी विकलांगता के मामले में 10 लाख रुपए का कवरेज देते हैं। विवादों के मामले में कानूनी खर्च भी वहन करता है। कुवैत में भारतीय दूतावास की वेबसाइट के मुताबिक 1990-91 के खाड़ी युद्ध में कुवैत में भारतीय समुदाय का बड़ा प्रभाव पड़ा। इससे भारतीयों का बड़े पैमाने पर पलायन भी हुआ। 1.7 लाख ज्यादा भारतीयों ने देश छोड़ा। समय समय पर मजदूरों के लिए भारतीय दूतावास एडवाइजरी जारी करता है। कुवैत में कई बार दुर्व्यवहार और धोखाधड़ी के मामले भी सामने आए हैं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।